अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अलग वीडियो लेके आई हूँ, स्पेशली उनके लिए जो मेरी तरह यूट्यूब पे बिगनर्स हैं, जो कि अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं। अक्सर दोस्तों आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि फजूल सी वीडियो के भी शॉर्ट्स में मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, क्योंकि जब वो अपने शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं तो एक परफेक्ट टाइमिंग में अपलोड करते हैं अपने शॉर्ट्स को। जी बिल्कुल सही सुना आपने, बेस्ट वायरल टाइम टू अपलोड शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब। इस बेस्ट वायरल टाइम के बारे में यकीन माने मुझे खुद नहीं था पता, लेकिन जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड करना शुरू की और फिर क्रिएटर स्टूडियो में जाकर देखना शुरू किया, तो मुझे मालूम हुआ कि जो वीडियो में जिस बेस्ट टाइम में जो मेरे ग्राफ में टाइम शो हो रहा है उसमें मैं अपलोड करती हूँ तो मेरी वीडियो वायरल जाती है। बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया जाता है कि इस टाइम पे अपलोड करें तो वायरल हो जाएंगी वीडियोस, या 5 बजे या सुबह 11 बजे या रात को 9 बजे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर किसी के चैनल में उसके ग्राफ के हिसाब से उसका वायरल टाइम देखा जाता है। यहाँ मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ वायरल टाइमिंग बताऊंगी, जो कि आपको भी अंदाजा होगा कि ये वाकई आपके चैनल की ग्रोथ के लिए कितने ज़रूरी हैं। सबसे पहले नंबर पे है चैनल एवरेज टाइम, ग्राफ टाइम और फिर ट्रेंड टाइम। चैनल एवरेज टाइम वो होता है जो कि आप क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करें, उसके चैनल पर किस टाइम कितने व्यूज़ हैं, कौन सी वीडियोस पे कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, वो आप सबको बताते हैं कि इस टाइम में आप अगर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके व्यूज़ बढ़ने के चांसेस हैं। ग्राफ टाइमिंग में आप सबको पता है कि अगर आप क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करें तो उसके सेकंड ऑप्शन में आता है ग्राफ टाइमिंग। ग्राफ टाइमिंग जब आप ओपन करते हैं वो हर वीडियो के नीचे आपको शो होता है। ग्राफ टाइमिंग में जिस टाइम पे आपकी वीडियो जो लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं या उसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं वही आपका वायरल ट्रेंडिंग टाइम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ टाइमिंग पीरियड में आता है कि आप किसी भी दिन अपनी वीडियो में कोई गैप ना लाएं और अपनी वीडियोज़ रोजाना अपलोड करते जाएं। जैसे आप एक वीडियो अपलोड करते हैं, एक शॉर्ट अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, उसके बाद आप देखते हैं उसका ट्रेंडिंग मीन्स उसके ग्राफ को देखते हैं वो कहाँ पे उस आपकी वीडियो किस टाइम में कितनी ट्रेंड में जा रही है। उस टाइम में अगर आप एक और शॉर्ट्स अपलोड करते हैं उसी टाइम में, तो आपकी वीडियो वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टाइम। ट्रेंडिंग टाइम वो होता है मीन्स के एक न्यूज़ आती है आपको ट्विटर पे, किसी भी एक्ट्रेस वर्ल्ड या चैंपियंस स्पोर्ट्स किसी भी किस्म की आपको एक वीडियो आती है या आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आपको चाहिए कि आप उसी वक्त उसी टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं और उसको अपलोड कर दें, वही आपका ट्रेंडिंग टाइम होगा। वो वीडियो महीनों ट्रेंडिंग में रहे, सालों ट्रेंडिंग में रहे, रहेगी तो जरूर, तो इसी तरह आपकी आपके जो शॉर्ट्स होते हैं आपकी वीडियोस होती हैं वायरल हो जाती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं अगली वीडियो हाउ टू अर्न मनी इजीली एंड फास्ट अर्निंग ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।